हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि आप फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग और फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमारे पास एक फ्री डोमेन होना चाहिए। डोमेन हम फ्री नॉम की वेबसाइट में जाके फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे मेरे को 24 आवर्स चाहिए वेबसाइट बनाना है, तो मैं 24 आवर टाइप कर दिया, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दिया, तो ये मुझे 3 डोमेन दिखा रहा है GACF ये। तो मैं इस पे गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे, CF पे अवेलेबल है, तो देन चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको कितने समय के लिए चाहिए डोमेन, तो ये फ्री है 12 मंथ तक है, तो हम लोग 12 मंथ तक क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपका 0 US में अवेलेबल है। तो इस तरह से हम इस डोमेन को बाय कर सकते हैं। इसके लिए पूरा वीडियो में दिया हुआ, फिर भी हम लोग इसमें साइन इन कर लेते हैं अपना। साइन इन करने के बाद स्क्रॉल डाउन होके माई डोमेन में जाना है। माई डोमेन में जाने के बाद ये आपको डोमेन देख सकते हैं जो मैंने बाय किया, 24hours.cf। इस तरह से आप डोमेन को बाय कर सकते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आपने देखा youtube.com, google.com, फ्री डोमेन आप इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और दूसरा मेथड है फ्री डोमेन लेने का, जो मैंने याहू का बनाया हुआ है। अब हम सेकंड स्टेप चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होस्टिंग। होस्टिंग के लिए हम लोग जाएंगे infinity.free.net वेबसाइट पे। इसमें जाने के बाद आप सबसे पहले अपना साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप अपना यहाँ डिटेल भर देंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट। इस तरह से अकाउंट क्रिएट होगा। आप रिसेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल में एक वेरिफिकेशन चला जाएगा। मेल में क्लिक करना है, तो मेल में देखिए अब ये आ चुका है वेरिफिकेशन लिंक आया हुआ। इस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें इन्फिनिटी की वेबसाइट के अंदर लेके जाएगा। ये हमारा होस्टिंग वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे वापस फ्री नोम में हम लोग जाएंगे यहाँ पे मैनेज टूल में। मैनेज टूल में जाने के बाद यहाँ पे मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैनेज डोमेन में मैनेजमेंट टूल है, यहाँ पे नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे यूज अ कस्टम नेम। तो यहाँ पे कस्टम नेम हम जो है इन्फिनिटी के जो रजिस्टर्ड नेम है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये इन्फिनिटी का मैंने लिंक नीचे दे रहा हूँ, इन्फिनिटी का जो डोमेन सर्वर नेम है, तो ये डोमेन नेम सर्वर आपको इसके अंदर एंटर कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक्टिव दिखा देगा आपको। इसको टाइम लगभग 24 आवर्स भी लग सकता है, लेकिन इसको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 20-30 मिनट लगते हैं। तो 20-30 मिनट के बाद इसको हम लोग देखते हैं। ये इन्फिनिटी का अकाउंट है हमारा जो हमने लॉगिन किया था। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कस्टम देख सकते हैं, कस्टम डोमेन और सब डोमेन है, तो हम लोग कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम डोमेन में हम लोग अपना डोमेन का नाम एंटर करेंगे। तो डोमेन हमारा था, तो ये डोमेन हमारा हम लोग कॉपी करके इसमें एंटर कर देंगे। सर्च डोमेन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च डोमेन पे क्लिक करेंगे सर्च करेगा, यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका ये इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। व्यू क्लाइंट एरिया और ओपन कंट्रोल पैनल दिखाएगा, तो आपको ओपन कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देना, देन ओपन कंट्रोल पैनल। तो इस तरह से आपको विस्टा पैनल ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल पैनल ओपन होने से पहले ये एक नोटिस आता है, इंपॉर्टेंट नोटिस, तो इस पर क्लिक करना है अप्रूव। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तक का कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। इस कंट्रोल पैनल को सी पैनल भी कहते हैं। गाइस, इस तरह से विस्टा सी पैनल लोड हो जाता है, और ये सी पैनल हमारा बैकएंड होता है जो हमारी वेबसाइट का है, जिसके थ्रू से हम वेबसाइट को मॉनिटर करते हैं। तो इसमें हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं आ जाए, तो ये सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर, तो इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। इसमें आपको वर्डप्रेस दिखाएगा, तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म इस तरह से ओपन होता है। तो इसमें हम लोग अपना बेसिक डिटेल डाल देते हैं, जैसे माई ब्लॉग और माई वर्डप्रेस ब्लॉग, या जो भी आपका है माई ब्लॉग्स मैं लिख देता हूँ। और ये अपना एडमिन मैंने यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, ये भी डाल दिया है। इसके बाद हमें अपनी एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमने थीम ले ली एक। इसके बाद हम लोग इसको क्विक इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो क्विक इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करते हैं तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, अभी आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वर्डप्रेस का स्टार्ट हो गया। इसको लगभग दो तीन मिनट लगेगा, लेकिन ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे दो लिंक मिल जाएंगे। एक ही लिंक मिलेगा जहाँ वर्डप्रेस है सक्सेसफुल इंस्टॉल लिखा हुआ है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक मिलेगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, तो आपकी साइट ओपन हो जाएगी 24hours.cf। ये देखो मेरी साइट वेबसाइट ओपन हो चुकी है, राइट। और दूसरी तरफ आपको ये लिंक मिलेगा जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा, जहाँ से ये वाला दूसरा लिंक है, जहाँ पर क्लिक करके आप एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप किस तरह का चाहते हो, क्या चाहते हो, ये सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो अब इसमें मैं माई ब्लॉग पर क्लिक कर देता हूँ। माई ब्लॉग पर
यहाँ पे जाके ये आपकी वेबसाइट है। अब आप चाहते हो कि इसका कस्टमाइज करना, तो इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? आप इसको कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, तो जब कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा विंडो। तो इसमें आप जो है, अगर आप चाहते हो कि वो इमेज चेंज करना चाहते हो ये वाली, आपको जाना है हेडर बैनर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बैनर बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद चेंज इमेज, तो सिलेक्ट फाइल, आपके पास कोई भी अपलोडेड अच्छी फाइल है जिसको आप ब्लॉग में अपने रखना चाहते हो वेबसाइट पे, तो डाल सकते हो। तो जैसे मैं एक फाइल चूज कर लेता हूँ इसमें से, ये मैं एक फाइल चूज कर ली है, तो ये फाइल अपलोड हो रही है यहाँ पे। तो ये इमेज अपलोड हो गई है, तो आप इसका टाइटल और कुछ कैप्शन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। मैं कुछ नहीं देके इसको चूज इमेज पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए मेरे वेबसाइट में कुछ इस तरह का लुक आएगा, तो इसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्ट। ये पब्लिश पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरा ये मेरा इमेज कस्टमाइज हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एंड देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।